29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मौके जिन्हों खिडारियों को खेड रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा उस विच डिस्कस थ्रो खिडारन कृष्णा पूनिया का नाम शामिल नहीं किया गया और इस कारण कृष्णा पूनिया काफ़ी खफा है। इस सिलसिले में खेड मंत्री नाल मिलने तो बाद पूनिया संसद मैंबर दुपिंदर हुड्डा नाल भी मिले। देखो अभी मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला है और डिमांड ये है कि अगर आप एक साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से खेल रत्न दिया जाता है तो उस उपलब्धि के हिसाब से मैं डिजर्व कर रही थी तो मुझे क्यों नहीं मिला। और दूसरा जब कमेटी के मेंबर ने ही मुझे बताया, इवन एप्लीकेशन भी उन्होंने मुझे लिख के दी है कि जब डिसाइड हुआ था तो मेरे और ग्रीषा के बीच में वोटिंग हुई जिसमें से 8-3 के हिसाब से मैं 8 पॉइंटों से जीती हूँ और थोड़ी देर बाद में दोबारा वोटिंग होने का क्या मतलब हुआ और 6-6 की बराबरी के साथ सिर्फ रंजन सोढ़ी को अवार्ड दे दिया गया। आई थिंक जिस प्रकार की उनकी अचीवमेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया है उन्होंने, ओलंपिक में छठा स्थान था, पहली महिला थी जो किसी भी उसमें क्वालिफाई करी, तो मुझे लगता है कि उनको भी कंसिडर करना चाहिए खेल रत्न के लिए, क्योंकि हर एक एथलीट का ये ख्वाब होता है जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे तो उसे सरकार की तरफ से कुछ अवार्ड मिले, और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर देखेगी और उनको कंसिडर करेगी खेल रत्न। मैं समझता हूँ कि कृष्णा पूनिया जी ने देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। वो अकेली महिला एथलीट ऐसी थी जिन्होंने ओलंपिक में फाइनल्स में जो पहुंची और कॉमनवेल्थ के अंदर भी उनका गोल्ड मेडल आया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी फोर्थ रही, एशियन गेम्स के अंदर भी उनके मेडल आते रहे, तो निसंदेह उनका मैं समझता हूं कि उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।